अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो भी मेरा रूटीन होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो देखते रहिए आप सब आज का मेरा रूटीन क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ता में मैंने बनाया फ्रेंच टोस्ट। मैंने 2 अंडा लिया है, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है और थोड़ा सा शुगर ऐड किया है, और ब्रेड में लगा के मैंने उसे तल लिया है। तो ये सभी को ही आता होगा, आप चाहे तो नमकीन भी बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मीठा डाला है यहाँ पर। तो ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, चाय रेडी हो गया है। तो चलिए नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं। तो यह नाश्ता वगैरह हो गया है, मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। नाश्ता का बर्तन धो लेते हैं, आज जुम्मा है तो आज जल्दी जल्दी करना है सब कुछ, बहुत सारा काम है, खाना वगैरह भी बनाना है अभी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मेरा जो भी डेली का रूटीन होता है तो मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिखाना अच्छा नहीं लगता, आप लोग भी बोर हो जाओगे। वही बर्तन धोना डेली, वही झाड़ू लगाना, वही पोछा लगाना। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ और भी मैं ऐड कर दूँ इसमें। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिया है, ये पानी का बोतल वगैरह था रात का, तो मैं इसे अच्छे से धो लूँगी, धो के पानी भर लूँगी इसमें। तो आज मुझे करनी है फ्रिज की सफाई, फ्रिज काफ़ी गंदा हो गया है, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ, आप देख ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा ही सामान निकाल लिया है फ्रिज से, और यहाँ पे मैं ये सब धो रही हूँ इसका। तो यहाँ मैंने फ्रिज को अच्छे से पोंछ लिया है, जहाँ पे दाग वगैरह लगा था उसको मैंने हल्का हल्का सा इसका ब्राइट से धो लिया है, और यहाँ पे मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया है। अब मैं पूछूंगी इसको सूखा कपड़ा से, और सारा सामान को मैं लगा दूंगी यहाँ पर। तो ये गार्लिक है, मैं थोड़ा सा गार्लिक रखती हूँ क्योंकि कभी कभी दाल वगैरह में काम आता है। यहाँ पे मैंने बादाम का चटनी पीस के रखा हुआ है, मुझे चावल के साथ कभी कभी चटनी अच्छा लगता है। यहाँ पे कैप्सिकम है, जब कोई ज़्यादा सामान होता है तो मैं थोड़ा यूज़ करती हूँ, फिर उसे कट करके डीप फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पर कोरिएंडर को भी, मैंने धनिया को भी अच्छे से टिश्यू पेपर पर रैप कर दिया है। यहाँ टमाटर भी मैंने डीप फ्रिज में रखा है क्योंकि टमाटर इतना महंगा है, और वो बाहर रखते हैं तो 2-4 दिन में ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने डिब को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे फ्रिज का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ पे
खाना बनाने लगी हूँ। आज मुझे यखनी पुलाव बनाना है, तो मैंने एक प्याज काट करके डाला है, इस पे थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, लौंग इलायची दालचीनी और खड़ा धनिया और खड़ा सौंफ और थोड़ा सा अदरक लहसुन नमक। तो मैं यहाँ चिकन का बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ चिकन ऐड कर दिया है और एक तेज़पत्ता डाल करके मैं पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरा चिकन हो गया रेडी। मैं चिकन को निकाल लूँगी और इसके पानी को छान लूँगी, यखनी जो है। तो मैंने उसी बर्तन को खंगाल के फिर मैंने उसे चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा तेल, दो इलायची और एक तेज़ पत्ता डाल दिया है मैंने उसमें, और थोड़ा सा साजीरा डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया है, गोश्त डाला है, यहाँ होममेड गरम मसाला मिला दिया है मैंने थोड़ा सा, और तीन चार हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। तो उसे भूनने के बाद मैंने यहाँ पे चावल ऐड कर दिया है, चावल को अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ हम इसे कामनी चावल बोलते हैं और गोविंदा भोग राइस भी बोलते हैं। तो ये छोटा छोटा चावल है जो पुलाव का चावल आता है खुशबू वाला। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा दही मिलाया है और मैं यहाँ पे यखनी मिला दूँगी। तो मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दूँगी ताकि इसका थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। तो आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो यहाँ पे खाना हम लोगों ने खा लिया था, खा के हम लोग आए थे न्यू मार्केट। तो जो कलकत्ता में रहते हैं उन्हें तो पता ही है न्यू मार्केट का, और जो बाहर से मुझे देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि ये न्यू मार्केट है, यहाँ हम अक्सर आया करते, कुछ भी लेना हो बड़ा सामान घर का सामान तो यहीं पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर कपड़ा वगैरह, पर्स, सैंडल, ज्वेलरी वगैरह हर तरह का सामान मिलता है, घर का सामान। तो यहाँ श्रीराम मार्केट में हम आ गए थे, यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा ये वह फिश है, यहाँ पर ये जो पानी है फाउंटेन है इसमें फिश है। तो यहाँ मुझे एक सामान लेना था, तो मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर आ गई थी। यहाँ पे हर तरह का ब्रांडेड सामान वगैरह मिलता है नॉन स्टिक का। तो जी, ये हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, कैसा लगा आप लोग बताइए।